श्री यदुनंदन जिन्होंने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाज करने का मैन ऑफ द मैच रहे वैसे धवल, जिनको देखा जाए तो यहाँ पर उपस्थित वैसे कुवाड़वा की आन बान और सन वैसे दीपक बाउकिया जो चावड़ा के नाम से जाने जाते हैं, जिनके शुभ हस्तों से मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी दी जाएगी, जिनकी भी बात करें तो एक विस्फोटक बल्लेबाज है। इस पिछले गेंद ऑफ टंपर मिलने वाली गेंद, गेंद को भेजा है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा की ओर, फील्डर गेंद के पीछे गए यहाँ पर, मगर देखा जाए तो जो अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, पैरों के साथ गेंद को रोका यहाँ पर, मगर रन लेने से जो नहीं रोक पाएंगे। और इसके साथ जो स्पोर्ट्समैन पीरियड हुई और चार रनों का जो सिग्नल मिला, मगर जो एक ऐसी कोशिश हुई थी फील्डर के द्वारा, अगर देखा जाए तो जो कोशिश ही जो कामयाब होती है, टूटते तो जो वादे टूटते हैं। इस बीच अगली गेंद हवा में रही, गेंद यहां पर देखा जाए तो फील्डर उनके नीचे तैनात और आउट। सुमित जिन की बात करें तो जो एक अच्छा कैच लपका और बल्लेबाज विमल जीन की जो वापसी हुई यहां पर। इस बीच पारी के पहले ओवर की जो समाप्ति हुई, कुल मिलाकर 8 रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर। और अब नए बल्लेबाज खुद कप्तान खुद गब्बर जो मोर्चे के ऊपर वैसे कुलदीप रावल, जिनकी बात करें तो 233 मैच खेले, करीबन 5000 के आसपास जिन्होंने टेनिस क्रिकेट के ऊपर जो रन बनाए हैं। फील्डिंग टीम जल्द से जल्द फील्ड सजाएगी, अगर ऐसी जो टीम मीटिंग चलती रहेगी तो इनके बाद सिर्फ एक ही जंग होगा और कुल मिलाकर आज 10 जंग जो खेल रहे हैं। उपस्थित मेहमान की जो बात करें तो पुलिसकर्मी नौजवान वैसे बीटी गोयल सर और उनके साथ भाई बी सर भी उपस्थित है और उनके साथ प्रशांत भाई, बिल्कुल देखा जाए तो गोंडल से आए हैं, जिनका भी टूर्नामेंट की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन है, जो यहां पर उपस्थित होंगे विलपुर डैश के नीचे, यहां पर कमेंट बॉक्स के नीचे जो VIP डैश के वहां पर आयोजक कमेटी के आमंत्रण को जो मान देते हुए।
जी हाँ, डेड बॉल का जो संकेत मिला अंपायर की ओर से। और गेंदबाजी की जो बात करें तो यहाँ पर आदित्य अपने कोटे का पहला इस इनिंग का जो दूसरा ओवर लेकर पारी के एक ओवर के बाद जो 8 रन बने हैं यहाँ पर बल्लेबाज के ऊपर, वैभव बोरीचा और उनके साथ सामने कुलदीप रावल। एक ओनर तो दूसरा कप्तान देखा जाए तो मोर्चे के ऊपर अपनी टीम को संभालते हुए दोनों। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद वाइड का संकेत रहा, एक्स्ट्रा के साथ एक रन बना और 9 रन के ऊपर स्कोर। अगर वैभव की बात की जाए तो जिनको क्रिकेट का जो खासा अनुभव और सामने वाले खिलाड़ी यानी कि कुलदीप रावल जिनको भी जो खासा अनुभव क्रिकेट का। इस बीच यहां पर अच्छी गेंदबाजी यहां पर, इस बीच देखा जाए तो टेनिस की गेंद टीपा पड़ने के बाद जो अंदर आई और डॉट गेंद रही। अगली गेंद उठाकर गला और शॉट हवा में गेंद रखी यहां पर, मानो पहले ही देखा जाए तो इस गेंद के ऊपर जो 6 रनों की मोहर लगा चुके हैं वैसे बल्लेबाज। और देखा जाए तो 6 रन के साथ अपना अकाउंट जो बल्लेबाज खोलते हुए यहां पर रिप्ले रिप्ले जो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल हवा यात्रा के ऊपर गेंद गई थी। बीटी गोयल सर और उनके साथ उनके मित्रगण भी जो यहाँ पर उपस्थित है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर भी लाइव भी जो देख सकते हैं जो एक अच्छे क्रिकेटर है जो एक अच्छे आदमी की जो पहचान है उनके साथ साथ देखा जाए तो पुलिसकर्मी नौजवान और उनके साथ देखा जाए तो एक अच्छे क्रिकेटर भी है और आज जिन्होंने अंपायरिंग की सेवाएं भी प्रदान की थी वैसे शोकत सिपाही भी जो उपस्थित है बिल्कुल वीआईपी डैश के ऊपर जो अपना कीमती वक्त निकालकर जो यहां पर उपस्थित है। इस बीच अगली गेंद यहां पर लॉग ऑफ क्षेत्र के ऊपर, बिल्कुल जो अपना कीमती वक्त निकालकर उपस्थित है हमारे कैमरामैन, बिल्कुल जो अपने कैमरे में कैद करते हुए यहाँ पर उपस्थित मेहमान की जो बात करें तो। इस बीच अगली गेंद हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट यहाँ पर विकेट कीपर गेंद के ऊपर पहुंचे अगर उनसे पहले मिड विकेट के फील्डर जिनके द्वारा जो फील करे, एक रन के साथ 17 रन जो स्कोरबोर्ड के ऊपर 17 यानी खतरा। अब आने वाली गेंद बताएंगी कि किन के ऊपर रहता है जो खतरा, गेंदबाज बल्लेबाज या फिर अंपायर के ऊपर। अगली गेंद खेलने का प्रयास हुआ था और देखा जाए तो खतरा था यहाँ पर बल्लेबाज के ऊपर, बिल्कुल देखा जाए तो बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और गेंद स्टंप के पास से गुजरी और इसके साथ ओवर की समाप्ति। पारी के कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति हुई, 2 ओवर के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर यानी कि 17 के ऊपर अभी भी जो खतरा मंडरा रहा है। फील्डिंग टीम जो जल्द से जल्द जो मैच शुरू करेंगी 25 मिनट के अंदर जो 6 ओवर खत्म करने होंगे फील्डिंग टीम से
जो निवेदन है। और अंपायर से निवेदन है कि मैच को जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे बाबा और उनका साथ बुरा। अगर ऐसी टीम मीटिंग चलती रहेंगी तो एक ही मैच होगा इनके बाद, क्योंकि आज करीबन हमारे साथी स्कोरर जो बता रहे 10 से 11 मैच जो खेलने हैं। दिग्विजय तैयार यहाँ पर अपनी फील्डिंग की सजावट जमावट के साथ गेंदबाजी के ऊपर, बल्लेबाजी के ऊपर कुलदीप रावल। 17 रन जो स्कोर बोर्ड के ऊपर, यानी कि खतरा अभी भी मंडरा रहा है यहाँ पर। फुल टॉस मिलने वाली गेंद यहाँ पर कवर क्षेत्र के ऊपर गेंद को भेजा यहाँ पर डीप कवर के फील्डर फील करे, 1 रन का जो मौका मिला यहाँ पर। इस बीच अगली गेंद वाइड का संकेत अंपायर की ओर से, शायद गेंदबाज के हाथ से जो फिसल गई थी गेंद। इस बीच अगली गेंद फुल टॉस मिलने वाली गेंद, स्लोर फुल टॉस डाली हुई यहां पर, देखा जाए तो बाल बाल बचे बल्लेबाज। दूसरी बार बचे जो वैभव की बात करें तो अगली गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर गेंद को खेला है और 1 रन में तब्दील, 1 रन के साथ 20 रन जो स्कोरबोर्ड के ऊपर। तीसरे ओवर का आज जंग जारी यहां पर, अभी तक सिर्फ एक ही विकेट जो गिरा है। और फील्डिंग टीम से निवेदन है कि जो जल्द से जल्द फील्ड सजाएगी यहां पर, वरना पेनल्टी भी जो लग सकती है। अगली गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद, गेंद को भेजा यहाँ पर लेग साइड डिजाइन के ऊपर, वन बाउंस से सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर जो 4 रनों का संकेत, एक करारा प्रहार मिला जो बल्लेबाज की जो बात कर रहे थे। बीटी गोयल सर के साथ देखा जाए तो हमारे आयोजक कमेटी के मेंबर वैसे एल के भाई यानी कि लखन भाई भी जो उपस्थित है, उनके साथ जोगी भाई, रूपम 11 के जो कप्तान। और उनके साथ आरबी आहिर। और इसी के साथ देखा जाए तो ऑफ स्टंप पर मिली थी गेंद, वाइड का संकेत और बाइक का सिग्नल, कुल मिलाकर जो 2 रन बने यहां पर। छब्बीस रन जो स्कोर बोर्ड के ऊपर।
स्पिच अगली गेंद फुल टॉस मिलने वाली गेंद यहाँ पर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर गेंद को खेला है, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग हुई फील्डर के द्वारा, पहले ऐसा लगा के जो शायद कैच लपकने का जो प्रयास करेंगे, मगर आखिरी के समय के ऊपर जिन्होंने गेंद को रोका और एक से दो रन बचाए जो अपनी टीम के लिए। इस बीच ऑफ टर्म पर मिलने वाली गेंद करारा प्रहार किया यहाँ पर डीप बॉकवर्ड पॉइंट के ऊपर, एक रन का मौका, एक एक रन के साथ जो स्कोर को आगे ले जाते हुए इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पारी का देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति हुई, 28 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर निकुंज, सामना करेंगे बल्लेबाज कुलदीप रावल। अतः ही पहली गेंद के ऊपर करारा प्रहार हुआ यहाँ पर, एक अच्छी कोशिश हुई यहाँ पर फील्डर के द्वारा, एक हाथ से जो लपकने का प्रयास हुआ था, खुद कप्तान खुद गब्बर यहाँ पर आरजे, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, मर जाना है मिट जाना है मगर अपनी टीम के लिए कुछ कर जाना है। आप स्क्रीन के ऊपर भी जो देख सकते हैं बिल्कुल रविंद्र जडेजा की तरह है जिन्होंने एक अच्छी कोशिश की यहाँ पर। हमारे बीच देखा जाए तो सुरेश भाई ढेर भी जो उपस्थित हो चुके हैं, जिनका भी टूर्नामेंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन है, जो दोपहर में भी जो अपना कीमती वक्त निकालकर उपस्थित है। चार ओवर के बाद 31 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। श्री यदुनंदन 11 की जो बात करें तो
और फील्डिंग टीम जल्द से जल्द जो मैच शुरू करवाएंगी यहाँ पर। हर एक गेंद के ऊपर जो फील्डिंग सेट कर रहे हैं यहाँ पर, दो से तीन खिलाड़ी जो फील्ड सेट कर रहे हैं यहाँ पर देखा जाए तो। अगली गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप पर खेलने का जो प्रयास हुआ था बल्लेबाज के द्वारा, यहाँ पर ऑफ साइड रीजन के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर प्रहार करते हैं बल्लेबाज कुलदीप रावल। इस बीच अगली गेंद गेंद को भेजा यहाँ पर स्क्वायर लेग रीजन के ऊपर फील्डर तैनात। यहाँ पर देखा जाए तो जो अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर गेंदबाजों के द्वारा, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का जो मौका नहीं दे पा रहे हैं। श्री दुर्गा इलेवन की जो बात करें तो यहाँ पर यदुनंदन इलेवन के बल्लेबाजों को देखा कर देखे तो जो दबाव में रखा है और अच्छी गेंदबाजी हो रही है। इस बीच अगली गेंद हवा में है, गेंद यहाँ पर फील्डर वहां पर पहुंचे और आउट। एक अच्छा कैच लपका देखा जाए तो फील्डर की बात जो करे तो। जी हाँ, फील्ड के ऊपर पीटर मिश्रा थे हमारे साथ स्कोर जो बता रहे थे, जो विकेट कीपर थे, मगर अब देखा जाए तो बाउट के ऊपर जो फील्डिंग करने के लिए गए। वाई बी जाडेजा सर जो उपस्थित होंगे अगले मैच के लिए जो टॉस करवाएंगे यहाँ पर। वाई बी जाडेजा सर के सुवस्तों से जो टॉस उछाल होने को जाएगा, उनके साथ बीटी गोयल सर, प्रशांत भाई जो उपस्थित होंगे। इस बीच अगली गेंद हवा में, गेंद यहाँ पर अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा, बिल्कुल देखा जाए तो एक हाथों से फील्ड किया, टॉस उछाल होने को जा रहा है यहाँ पर। वाई बी जडेजा सर के सुभस्तों से जो टॉस उछाल होने को गया। जी हाँ, नो बॉल का जो सिग्नल मिला अंपायर की ओर से, जो फ्री हिट का भी जो संकेत मिलेगा अंपायर की ओर से। फ्री हिट की गेंद के ऊपर फायदा नहीं उठा पाए वैसे कुलदीप रावल की जो बात करे तो यहां पर। इस बीच अगली गेंद यहाँ पर एक अच्छी कोशिश हुई थी यहाँ पर फील्डर की जो बात करें तो, यहाँ पर जो 6 रनों का संकेत मिला और इसके साथ ओवर की जो समाप्ति। पारी के 5 ओवर की समाप्ति के ऊपर 40 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी गेंद के ऊपर जो सिक्सर लगाया था बल्लेबाज कुलदीप रावल की जो बात करें तो,
पीटर मिश्रा थे जिनके द्वारा जो एक अच्छी कोशिश हुई थी। निकुंज गेंदबाजी के ऊपर, फुल टॉस मिलने वाली गेंद, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर गेंद को खेच जाए यहाँ पर, सब तक फील्डर फील करे, एक रन का जो मौका मिला यहाँ पर। एक रन के साथ जो स्कोर की बात करें तो 41 रन। निकुंज गेंदबाजी के ऊपर, बल्लेबाजी के ऊपर, बल्लेबाज की जो बात करें तो कुलदीप रावल और इमरान, और अब बल्लेबाजी के ऊपर कुलदीप रावल, खुद कप्तान खुद गब्बर। अब देखा जाए तो जो आखिरी ओवर के साथ बल्लेबाजी के ऊपर उठाकर खेला हुआ शॉट, देखा जाए तो गेंद को जो नींबू बना दिया है, और थोड़े समय की पहले की जो बात करें तो गेंद सस्ती थी और नींबू जो महंगे थे। एक जो करारा प्रहार मिला और 6 रनों के ऊपर जो गेंद को भेजा। फिर से अगली गेंद, हेलीकॉप्टर अंदाज के साथ गेंद को भेजा है यहाँ पर, वही अंदाज के साथ, वही गेंदबाज, वही फील्डर और वही बल्लेबाज, और हमारे वही अंपायर के द्वारा जो संकेत मिला। इस 6 रन के साथ यदुनंदन 11 का स्कोर 53, 50 के आंकड़े को जो पार कर गया। इस बीच ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद, वाइड का संकेत मिला अंपायर की ओर से, दोनों हाथ समांतर दिशाओं में, एक्स्ट्रा के साथ एक रन बना। कुलदीप रावल की बात करें तो पहले 14 गेंदों के ऊपर 16 रन थे, और उनके बाद बात करें तो 2 गेंदों के ऊपर जो 12 रन बनाए। हमारे साथी कैमरामैन भी जो हर एक याद को जो कैमरे में जो कैद करते हुए, बीच फिर से अगली गेंद यहाँ पर वापसी होती हुई गेंदबाजी के ऊपर, गेंदबाज की जो बात करे तो दो सिक्सर लगे तो 2 गेंद डूट भी गई। इस बीच अगली गेंद ऑफ टंपर मिलने वाली गेंद यहाँ पर, टेनिस की गेंद टिपा पड़ने के बाद घूमी यहाँ पर, पहला रन तेजी के साथ और दूसरा रन लेने का जो मौका नहीं मिला यहाँ पर, और जो 4 रनों का संकेत मिला। कैमरे में देख सकते बिल्कुल हवाई जहाज जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अट्ठावन रन जो बने यहाँ पर यदुनंदन 11 की जो बात करें तो, यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी हुई बल्लेबाज कुलदीप रावल के द्वारा। जल्दी से जल्दी सलामी जोड़ी क्रीज के ऊपर आएंगी और जल्दी से जल्दी फील्डिंग टीम भी जो पहुंचेगी।
सलामी जोड़ी जो जल्द से जल्द क्रीज पर जाएंगी। सलामी जोड़ी जो जल्द से जल्द क्रीज पर जाएंगी और हमारे अंपायर भी धीरे धीरे जाते हुए ग्राउंड के ऊपर। आरपीएल राजकोट प्रीमियर लीग सीजन वन 2022 एक सुंदर आयोजन खेलेगा राजकोट, जीतेगा राजकोट नारे के साथ जो टूर्नामेंट का एक आगाज हुआ था। ओपनिंग बैट्समैन जल्दी थी जल्दी आउट से सलामी जोड़ी जो क्रीज के ऊपर पहुंच गई, यहाँ पर सलामी अंपायर और गेंदबाज भी तैयार और मैच जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। 25 मिनट के अंदर जो 6 ओवर की एक पारी खत्म करनी होगी फील्डिंग टीम को। अंपायरिंग की भूमिका के ऊपर बाबा और उनके साथ मनीष गोस्वामी। आरजे और उनके साथ महावीर की जोड़ी जो क्रिस के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर स्विप शॉट खेला हुआ शॉट, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो लेग बाई का सिग्नल मिला, जी हाँ पैरों के साथ टकराई थी गेंद, शॉट फाइन लग के ऊपर। इस बिजली गेंद रिवर्स स्टॉक गेंद को खेला है, यहाँ पर स्लिप और पॉइंट के बीच में से गेंद ने सीमा रेखा का रास्ता तय किया और 4 रन के लिए मुड़े। इस बीच अगली गेंद हाना का मामला हुआ, तेजी के साथ वापस क्रीज के ऊपर आए, यहाँ पर जो अच्छी फील्डिंग हुई थी फील्डर के द्वारा। इस बीच फिर से अगली गेंद गेंद को भेजा है यहाँ पर लॉन्ग लेग की ओर जाते हुए, यहाँ पर एक अच्छी कोशिश हुई और देखा जाए तो कोशिश ही जो कामयाब होती है यहाँ पर फाइन लेग के खिलाड़ी के द्वारा, जो एक लंबी दौड़ लगाई और इसी के साथ इनिंग के गिरने वाले जो पहले विकेट का पतन। महावीर
जिनके ऊपर देखा जाए तो सलामी जोड़ी के ऊपर भेजा गया था और विकेट का पता नहीं यहाँ पर। दोनों टीम के एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स का जल्द से जल्द जो संपर्क करेंगे अपने खिलाड़ियों के जो नाम देने के लिए। अगली गेंद यहां पर ऑफ टंपर मिलने वाली गेंद हल्के हाथों से कट किया हुआ शॉट यहां पर डीप कॉइट के खिलाड़ी फील्ड करे उनसे पहले जो एक रन में तब्दील दोनों बल्लेबाज जीतने के लिए जो बात करें तो 59 रन जो बनाने हैं। इस बीच अगली गेंद यहां पर ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद उनको सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला है और वन बाउंस सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर जो चार रनों का संकेत। पर के पहले ओवर की समाप्ति के ऊपर 10 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर कुलदीप रावल की जो आजमाइश होने को जा रही है यहां पर। बाउंड्री अंपायर जी हां चार रनों का सिग्नल मिला। अगली गेंद यहां पर गेंद को भेजा है यहां पर देखा जाए तो हवा यात्रा के ऊपर और दोनों हाथ हवा में बुलंद हुए यहां पर यानी कि आते ही पहली गेंद के ऊपर जो बाउंड्री लगी तो उनके बाद जो गेंद के ऊपर जो करारा प्रहार मिला यहां पर बल्लेबाज के द्वारा। इस बीच फिर से अगली गेंद ऑफ टर्म पर मिलने वाली फुल टॉस गेंद गेंद को नसीहत दी और जो चार रनों का संकेत मिला अंपायर की ओर से और इस चौके की मदद के साथ स्कोर की जो बात करें तो 24 रन। अगली गेंद यहां पर खेलने का जो प्रयास हुआ था रिवर्स स्ट्रोक के जरिए बल्लेबाज के द्वारा। आरपीएल एक जाजरमान आयोजन देखा जाए तो राजकोट के सर जमी के ऊपर।
अगली गेंद गेंद को भेजा यहाँ पर स्क्वायर लेग रीजन के ऊपर, यहाँ पर एक अच्छी फील्डिंग हुई फील्डर के द्वारा और एक रन में तब्दील दोनों बल्लेबाज। एक रन के साथ 25 रन जो स्कोरबोर्ड के ऊपर। अगली गेंद गेंद को भेजा है यहाँ पर हवा यात्रा के ऊपर, लॉन्ग ऑन के फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर और आखिरी गेंद के ऊपर 6 रनों का जो प्रहार लगाया बल्लेबाज आरजे राज जाडेजा के द्वारा, खुद कप्तान खुद गब्बर जो मोर्चे के ऊपर। इसके साथ पारी के दो ओवर की समाप्ति के ऊपर 31 रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 24 गेंदे 28 रन चाहिए और एक तरफ बाबा भगत की ओर से जो धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है। अगली गेंद यहाँ पर अगर गेंदबाज की जो बात करें तो वीर रबारी जो जिनकी बात करें तो पिछले देखा जाए तो 4 साल से जो एक उभरते हुए सितारे राजकोट के, सौराष्ट्र में भी जो खासा जिनका नाम, जो एक विस्फोटक बल्लेबाज के ऊपर भी जिनकी जो गुजारिश थी एक अच्छे बल्लेबाज की भी जो निशानी है। अगली गेंद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो वन बाउंस का सिग्नल मिला जी हाँ अंपायर की ओर से, दोनों तरफ जो गेंद को घुमाते हैं। 31 रन जो स्कोरबोर्ड के ऊपर। अगली गेंद हवा में है, गेंद यहाँ पर देखा जाए तो फील्डर उनके नीचे जब तक के पहुंचे उनसे पहले गेंद ने जमीन का सहारा लिया और 2 रन के लिए मुड़े दोनों बल्लेबाज। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में गेंद ने जो लेन की और 2 रन के लिए मुड़े। अगली गेंद यहां पर ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद दिशा दिखाई यहां पर, चौतीस रन जो स्कोरबोर्ड के ऊपर, 20 गेंदों के ऊपर 25 रन जो चाहिए जीतने के लिए यहाँ पर श्री दुर्गा 11 को और यदुनंदन 11 को जीतने के लिए देखा जाए तो यहाँ पर जो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अगली गेंद ऑफ टर्म पर मिलने वाली गेंद करारा प्रहार हुआ और गेंदबाज देखा जाए तो यहाँ पर थोड़े महंगे जो साबित हुई इस गेंद के ऊपर। अंपायर का संकेत का जो इंतजार यहां पर, जी हां 4 रनों का सिग्नल मिला। अंपायरिंग की भूमिका के ऊपर बाबा खान बिल्कुल अपने अंदाज के साथ जो अंपायर की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस बीच अगली गेंद हवा में एक गेंद यहाँ पर देखा जाए तो लॉन्ग ऑन के फील्डर वहां पर पहुंचे और एक आसान सा कीच लपका यहाँ पर। सनी मकवाड़ा जिनकी बात करें तो छोटे कद के एक बड़े खिलाड़ी और इसी के साथ जो ओवर की समाप्ति हुई पारी के 3 ओवर की समाप्ति के ऊपर 38 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 18 गेंदे 21 रन चाहिए।
अगर आप रिप्ले भी देख सकते स्क्रीन के ऊपर, राज जडेजा खुद कप्तान उनके हाथों से जो बल्ला फिसल गया था और बल्ले को जो रिस्पेक्ट देते हुए, ये होता है क्रिकेट देखा जाए तो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला जो क्रिकेट। खुद कप्तान है जो टीम की बात करे तो यहाँ पर। और अंपायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द जो शुरू करवाएंगे। नए बल्लेबाज पीटर जो क्रिस के ऊपर, नो स्ट्राइकर के ऊपर, बल्लेबाज के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर बाबा भगत और गेंदबाजी के ऊपर विमल। अगली गेंद बाउंस डाली हुई गेंद यहां पर देखा जाए तो, ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद। अगली गेंद स्लोअर गेंद डाली हुई यहां पर जाती हुई यहां पर लॉन्ग लेग की ओर, जब तक के फील्डर फील करे एक रन का मौका। बिल्कुल अंपायर के पास से गेंद गुजरी यहां पर। उनचालीस रन जो स्कोरबोर्ड के ऊपर, 16 गेंदों के ऊपर 20 रन। सिक्स है यहाँ पर, करीबन 5 से 7 मिनट तक वक्त लगा रिप्ले में जो देखे गए। 4 कैमरा के साथ यहाँ पर एल के स्टार की पूरी टीम देखा जाए तो, यहाँ पर आयोजक कमिटी भी यहाँ पर उपस्थित है और बाहर से भी कई ने डिसीजन दिया, मगर डिसीजन जो लास्ट में कैमरे में आया वही डिसीजन जो दिया गया। फिर देखा जाए तो बाउंड्री में छू गया था और करीबन 1 से 2 सेकंड जो रखते तो काफी जो सिक्सर दिखाई देता और देखा जाए तो अंदर जो पेर आया था। अगली गेंद स्लोर गेंद डाली हुई यहां पर, गेंदबाज गेंद के ऊपर गए यहां पर, जब तक फील्ड करे फंबल हुआ और उसमें तेजी के साथ रन के लिए मुड़े। एक सुंदर आयोजन आरपीएल 2022 यहाँ पर, 4 कैमरा के साथ एक ऑपरेटर के साथ यहाँ पर एल के स्टार की पूरी टीम, एल के स्टार राजकोट देखा जाए तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण भी जो आप देख सकते हो। चार ओवर के बाद 47 रन बने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, आने वाली 12 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 12 रन चाहिए। पल्स की जो बात करें तो 2 गेंदों का सामना किया, 7 रन बनाए 1 सिक्सर की मदद के साथ और अब फिर से गेंदबाजी के ऊपर वीर रबारी जो तैयार। इनके बाद अगले मैच के लिए दोनों टीम जो तैयार रहेंगी, ये मैच खत्म होने के बाद तुरंत जो मैच शुरू होगा।
हवा में गेंद यहाँ पर फील्डर जब तक कि पहुंचे और एक अच्छा कैच लपका जीन के द्वारा। बाउंस डाली हुई गेंद थी यहाँ पर, एक अच्छा कैच लपका फील्डर के द्वारा। नए बल्लेबाज चिराग जो बल्लेबाज के ऊपर, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, जीतने के लिए 11 गेंदों के ऊपर 20 रन चाहिए, सॉरी 11 गेंदों के ऊपर 12 रन चाहिए, 47 रन। अगली गेंद के साथ विकेट की सफलता के साथ गेंदबाज वीरबारी जो तैयार बल्लेबाज के ऊपर, नए बल्लेबाज चिराग। इसी अगली गेंद खेलने का जो प्रयास हुआ था, इस बीच अगली गेंद रिवर्स स्ट्रोक के जरिए खेलने का प्रयास हुआ था, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी। अगर श्री यदुनंदन इलेवन की जो बात करें तो वापसी करते हुए यहाँ पर इस बीच अगली गेंद, गेंद को लेफ्ट किया है, गेंद जाती हुई यहाँ पर डीप मिड विकेट के ऊपर, मिड विकेट के फील्डर फेल करे उनसे पहले जो रन में तब्दील दोनों बल्लेबाज। अगली गेंद यहाँ पर लॉन्ग लेग की ओर गेंद जाती हुई यहाँ पर, लॉन्ग लेग के खिलाड़ी फील करे उनसे पहले दो रन में तब्दील दोनों बल्लेबाज। यहाँ पर अच्छी फील्डिंग हुई जो फील्डर की जो बात करे तो यहाँ पर। अगली गेंद रिवर्स स्ट्रोक के लिए पलटे यहाँ पर बल्लेबाज और यहाँ पर फील्डर तैनात और आउट। जैसे ही देखा कि वहां पर फील्डर एक रखने का है, वैसे ही चतुराई भरी जो गेंदबाजी हुई यहाँ पर, जो बात करे गेंदबाज की यहाँ पर, कि उनको लगा कि शायद जो बल्लेबाज रिवर्स स्ट्रोक के लिए है जो पलटेंगे और अच्छा कैच लपका फील्डर की जो बात करे तो यहाँ पर। और इसके साथ पारी के कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति के ऊपर 50 रन बने, 6 गेंदे 9 रन चाहिए। कल के दिन का जो आखिरी जंग रहा था, जिनकी बात करें तो जुगराज इलेवन और बालाजी इलेवन के बीच, जो जिनमें 4 गेंदे के ऊपर 19 रन चाहिए थे और जहां पर अच्छी 1 गेंद के ऊपर जो रन नहीं लिया था और 3 गेंदों के ऊपर 19 रन चाहिए थे, तब राजबा परमार ने 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर लगाए थे और मैच को जो स्कोर लेवल किया था। और सुपर ओवर के ऊपर देखा जाए तो जहां पर राजबा के द्वारा ही जो अच्छी गेंदबाजी रही थी और अपनी टीम को जिन्होंने जीत दिलाई थी।
पहली गेंद खेलने का जो प्रयास हुआ था यहाँ पर बल्लेबाज के द्वारा। गेंदबाज के ऊपर विमल, सामना करेंगे चिराग। उठाकर खेला हुआ शॉट, हवा में गेंद, यहाँ पर फील्डर कोई तैनात नहीं। यहाँ पर अगर फील्डर होते तो जो भी देखा जाए तो बाउंड्री के बाहर जो गेंद गई और 6 रनों का संकेत मिला अंपायर की ओर से। चार गेंदे जीतने के लिए 3 रन चाहिए। अगली गेंद यहाँ पर ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, यहाँ पर जब तक के फील्डर फेल करे उनसे पहले जो 1 रन में तब्दील दोनों बल्लेबाज। सत्तावन रन और इनके बाद का जो जंग होगा जिनकी दोनों टीम रूपम इलेवन और उनके सामने राज शक्ति रिबड़ा, जो दोनों टीम तैयार रहेगी इनके बाद जो मैच खत्म होने के बाद जल्द ही जो मैच शुरू होगा। हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, यहाँ पर पहला रन तेजी के साथ इस बीच हड़बड़ाहट हुई और दूसरा भी रन देखा जाए तो तेजी के साथ वाइड थ्रो रहा और इसके साथ कुल मिलाकर जो 5 विकेटों से जो बात करें तो श्री दुर्गा ने इस मैच को जो जीत लिया है।